दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने जाना था सिविल स्कोर के बारे में कि सिविल पॉइंट्स क्या होते हैं, अपना जो क्रेडिट स्कोर है वो किस तरीके से हम लोग सेव कर सकते हैं, किस तरीके से हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि हमारा जो ये सेगमेंट है वो है क्रेडिट कार्ड के लिए। जो क्रेडिट कार्ड यूज़र्स हैं या जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आता है दोस्तों कि अगर आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग बैंक हैं, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हैं, बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, बहुत सारे फीचर बेनिफिट भी वो लोग जो है वो प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको इतने फीचर बेनिफिट देंगे, लेकिन वो हकीकत में होता क्या है कि वहाँ पर उतने फीचर बेनिफिट जो है आपको मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि सेल्स ट्रिक होती हैं, सेल्स कॉल होती हैं, तो वहाँ पर आप जो है वो तय नहीं कर पाते हैं कि आपको जो मिला है वो सही मिला है या आप जो चूज़ कर रहे हैं वो बेस्ट है, सही है। तो दोस्तों, फाइनेंस गुरुजी जो है वो पहला ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको कंपैरिजन कराता है क्रेडिट कार्ड के बारे में, क्योंकि आप अभी तक आपने बहुत सारे ब्लॉग्स, बहुत सारी वेबसाइट या कंपैरिजन साइट जो है वो देखी होंगी, बट अभी आप जो है अपना यूट्यूब पर भी चेक कर सकते हैं, अपना वीडियोस देख सकते हैं। फाइनेंस गुरुजी पर आप क्रेडिट कार्ड कंपैरिजन वीडियोस देख पाएंगे, जहां पर हम अलग अलग क्रेडिट कार्ड के फीचर बेनिफिट आपको जो है वो वीडियोस के ज़रिए बताएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है बिगनर्स के लिए, यानी कि बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर बिगनर्स में आज का हमारा जो पहला क्रेडिट कार्ड है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने फाइनेंस गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फाइनेंस वीडियोस हैं जो हम आगे लाते रहेंगे आपके लिए। इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल फाइनेंस, जो अदर प्रोडक्ट हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस है, फ्रीलांस मनी मेकिंग है, ऑनलाइन इनकम आइडियाज़ हैं, स्मॉल बिजनेस है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो हम यहाँ पर शेयर करेंगे। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने फाइनेंस गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें, और साथ ही साथ जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे जो वीडियो हैं वो सबसे पहले आपको मिले, नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उन्हें देख पाएँ सबसे पहले। तो दोस्तों, आज का जो हमारा जो कार्ड है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है HDFC बैंक का मनी बैक क्रेडिट कार्ड। बेस्ट बिगिनर क्रेडिट कार्ड है, अच्छा क्रेडिट कार्ड है, सारे फीचर बेनिफिट आपको दे रहा है। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं, आप अपना पहला कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये कार्ड जो है आपका मनी बैक क्रेडिट कार्ड दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। सारे फीचर बेनिफिट आपको मिलते हैं, प्रीमियम सेगमेंट कार्ड है, इंटरनेशनल कार्ड है। आप शुरुआत कर रहे हैं, आप ये कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, सारे फीचर बेनिफिट आप इसमें आपको मिलेंगे। तो इसमें जो आपको फीचर बेनिफिट मिलेंगे, जो जो फ़ायदे आप इससे ले सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल फाइनेंस गुरुजी पर। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मनी बैक एक बेसिक क्रेडिट कार्ड है, एंट्री सेगमेंट क्रेडिट कार्ड है HDFC बैंक की तरफ से। स्टिल ये एंट्री लेवल सेगमेंट में एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, जहाँ पर आपको फीचर बेनिफिट मिलते हैं, जो भी फीचर बेनिफिट आपको रिक्वायर्ड हैं वो सारे फीचर बेनिफिट आप ले सकते हैं, चाहे वो फ्यूल का बेनिफिट हो या शॉपिंग परचेजिंग का बेनिफिट हो, रिवॉर्ड का बेनिफिट हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको जो बेसिक जो फीचर्स हैं वो क्या क्या मिलेंगे। तो दोस्तों, लिमिट देखिए, लिमिट के लिए कोई भी आपको कमिटमेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि लिमिट जो होती है वो आपकी इनकम और आपका जो खर्चे हैं वो सारा क्राइटेरिया देखकर बैंक तय करता है। तो यदि आपको कोई भी प्रॉमिस करता है कि आपको 1,50,000, 70,000, 80,000, 2,00,000, 4,00,000 की लिमिट मिलेगी, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि लिमिट जो आती है वो बैंक की तरफ से प्री डिसाइड होती है। आपकी वेरिफिकेशन के पश्चात आपकी जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको क्रॉस चेक करता है बैंक, उसके बाद बैंक आपकी लिमिट डिसाइड करता है। तो ये लिमिट के लिए आपसे कोई पहले से प्रॉमिस करता है तो वो एक फेक प्रॉमिस होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, 2.5% का फ्यूल सरचार्ज आप ले सकते हैं सभी फ्यूल आउटलेट पर, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं बैंक की तरफ से कि आप मैक्सिमम जो है 10,000 रुपये तक की जो आपकी फ्यूल परचेजिंग होगी उस पर ही ये बेनिफिट ले पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड जो मिलेगा वो आपका रहेगा 50 दिनों का, जिसमें 30 दिन आपके बिलिंग साइकिल के होते हैं। इसके अलावा 20 दिन बैंक आपको एक्स्ट्रा देता है एज अ ग्रेस पीरियड। इसके बाद जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका अकाउंट होता है वो अप्रॉक्स 3.40% पर मंथ का होता है। तो यानी कि आपका जो बिलिंग साइकिल है, बिलिंग डेट है, वो 15 से 15 का है, तो 15 के बाद में 20 दिन बैंक आपको एक्स्ट्रा दे रहा है यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 15 से 20 और 25 तारीख तक का समय होता है, तो यदि आप 25 तारीख तक अपना जो अमाउंट है वो बैंक को पे नहीं करते हैं, रीपे नहीं करते हैं अपना अमाउंट, तो आपको 3.40% का एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है वो चार्ज भी बैंक को पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, 150 रुपीज़ की स्पेंडिंग आप करते हैं, कोई भी स्पेंड आप करेंगे 150 रुपये का, तो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे।
और यहाँ जब आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को यदि आप चाहते हैं तो रिडीम कर सकते हैं अमाउंट के अगेंस्ट, यानी कि यहाँ पर आपको कैश एडजस्टमेंट की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। आप जब भी अपना बिल पे करते हैं अपने जो एग्जिस्टिंग रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं आपके पास में वो एडजस्ट करा लीजिए, तो यहाँ पर आपको 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स की जो वैल्यू होगी वो लगभग 30 रुपये की मिलती है दोस्तों। EMI फैसिलिटी आपको देता है क्रेडिट कार्ड। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप परचेज करते हैं आप डायरेक्टली जो अमाउंट है उसे EMI में जो कन्वर्ट करा सकते हैं। सबसे अच्छा बेनिफिट है आजकल बूस्ट ऑफ, यानी कि मैं कहूँ कि 90% लोग जो है वो क्रेडिट कार्ड इसीलिए यूज़ करते हैं कि आज आप खरीदिए कल आप पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, जो पॉइंट्स मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किए थे। तो यदि अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, आप लिंक पर क्लिक करके, आई लिंक जो है उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं वीडियो को कि यहाँ पर यदि आप जो है अमाउंट रीपे करने का जो टाइम है उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। क्रेडिट कार्ड के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी है दोस्तों, वो भी आपको जानने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में, 150 रुपीज़ पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं। EMI फैसिलिटी आपको मिलती है, EMI फैसिलिटी आप ले सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की खरीद पर। इसके अलावा कई बार बैंक आपको जो भी आप शॉपिंग करते हैं परचेजिंग करते हैं सर्टेन अमाउंट, यदि आपका जो अमाउंट है 2,500 रुपीज़ से ज़्यादा का हो गया, 2,500 रुपये से ज़्यादा की आपने शॉपिंग परचेजिंग कर ली है तो आप उसे भी EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं। उसके लिए आप जब भी अपने अकाउंट में लॉगिन करके वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि बैंक उस अमाउंट पर आपको जो वो फैसिलिटी है वो दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया कि जो कार्ड है उसमें ग्रेस पीरियड आपको 50 डेज़ का है, उसका बेनिफिट आप लीजिए, EMI बेनिफिट आप लीजिए। यहाँ पर इतने सारे फीचर्स के साथ साथ इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। वीज़ा एंड मास्टर दोनों फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिलेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे यहाँ पर वीज़ा फॉर्मेट आ रहा है, तो वीज़ा और मास्टर दोनों का ऑप्शन आपको मिलता है। जो भी आप लेना चाहें वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उस ऑप्शन पर टिक कीजिए जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं आप वही कार्ड आप ले पाएंगे। बट पर्सनली मैं कहता हूँ कि वीज़ा में जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा फायदा होता है, मैं सारे वीज़ा ही प्रेफर करता हूँ अपने पास। ऑल्दो आई एम ऑल्सो हैविंग मास्टर क्रेडिट कार्ड बट लेकिन मैं वीज़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है कई बार, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा जो और भी कई सारे फीचर्स बेनिफिट आपको मिलते हैं, जिसके लिए मैंने अपना जो कि स्पेशल रिव्यू पोस्ट भी लिखी हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके वहाँ पर जाके मेरे ब्लॉग पे भी उसके बारे में पढ़ सकते हैं पूरा, यदि आप पढ़ना चाहते हैं स्पेशल रिलेटेड टू पर्सनल फाइनेंस। मेरा ब्लॉग है financebuddy.in, आप उस पर जाकर वहाँ भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों इतने सारे फीचर बेनिफिट के साथ में कार्ड में कुछ एनुअल फीस भी है, क्योंकि ऑब्वियसली बैंक आपको इतने सारे फीचर बेनिफिट दे रहा है, इतना अच्छा कार्ड दे रहा है, इतना प्रीमियम सेगमेंट का जो कार्ड है वो आपको दे रहा है, तो यहाँ पर कुछ चार्ज भी आपको करेगा। तो यहाँ बैंक ने आपको एक जो फी है वो आपको दी हुई है, यहाँ पर 500 रुपीज़ की एक मिनिमम फीस है, जैसा अभी मैं जो देख पा रहा हूँ लाइव यहाँ पर आपको अभी जो प्रेजेंटली, क्योंकि बैंक कहता है कि आप यदि कार्ड यूज़ कर रहे हैं आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर हैं तो हम आपको चारों तरफ से फ़ायदा देना चाहते हैं, चाहे वो रिवॉर्ड पॉइंट का हो, शॉपिंग परचेजिंग का हो, EMI का हो, तो उसी तरीके से बैंक ने आपको आपको जो है फीस में भी एक फ़ायदा दिया है। यदि आप अपनी इस 500 रुपीज़ की जो एनुअल फीस है उसे वेवर करना चाहते हैं, आप ज़ीरो करना चाहते हैं, तो उसके लिए बैंक आपको ऑप्शन देता है कार्ड लेने के बाद जब आप कार्ड एक्टिवेट कर लेंगे, आप यूज़ करना शुरू कर देंगे तो पहले 90 दिनों में, पहले जो आपकी 3 बिलिंग साइकिल्स होंगी उन 3 बिलिंग साइकिल में यदि आप 10,000 रुपये की शॉपिंग परचेजिंग कर लेते हैं, यानी कि 3 से 4,000 यदि हम देखें तो अपना जो हम यदि घर का ग्रॉसरी परचेज़ करते हैं तो ईजिली हमारा 3 से 4,000 रुपये का आ जाता है, तो आप 3 महीने में यदि 10,000 रुपये की शॉपिंग परचेजिंग कर लेते हैं तो आपकी जो 500 रुपीज़ की जो फीस है फर्स्ट ईयर की वो आपकी वेवर हो जाएगी, नहीं लगेगी, आपका कार्ड पहले साल के लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगा। और इसी तरीके से यदि आपने पूरे साल में पूरे 365 दिनों में 12 जो बिलिंग साइकिल होंगी उनमें आपने 50,000 रुपये की पूरी शॉपिंग की है तो आपका जो कार्ड है वो दूसरे साल के लिए भी फ्री हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दूसरा जो बैंक यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है वो है बैंक की अपनी एप्लीकेशन है पेज ऐप के नेम से, इसका जो नेम और लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होगा, नीचे यहाँ पर स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहा होगा। पेज ऐप आप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए अपने जो एंड्रॉयड मोबाइल में, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है पेज ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसके बाद में अपना जो कार्ड है उसे उस एप्लीकेशन से लिंक कर दीजिए, जो आपका अभी कार्ड बन के आया है HDFC बैंक का, तो उसे जो आपका कार्ड है वो फ्री हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको करना ये है कि अपना जो भी आप बिल है यूटिलिटी बिल, चाहे वो आपका पोस्टपेड हो मोबाइल का या फिर लैंडलाइन का बिल आ रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो, तो वो आप जो है अपनी इस एप्लीकेशन से पे कर दीजिए, पे करते रहिए, आपका जो कार्ड है वो फ्री रहेगा, आपको कोई अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो होपफुली दोस्तों आपको ये जो आज का
जो हमारा कार्ड है, जो HDFC बैंक का मनी बैक क्रेडिट कार्ड, ये आपको पसंद आया होगा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोई पेड यहाँ पर वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं खुद क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में हूँ, पिछले 10 साल से कई सारे बैंक्स के साथ में हम वर्क कर चुके हैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की जो अलग अलग बैंक के जो क्रेडिट कार्ड का एक्सपीरियंस है, वही मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल क्रेडिट कार्ड है जो मैंने आज ही रिसीव किया है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक क्रेडिट कार्ड है जो पहले से मैं यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ दिस वन प्लेटिनम एज। मैं पिछले 4 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, बट आज मेरे पास में बैंक की तरफ से मुझे ये कार्ड भी रिसीव हुआ है। तो अभी मेरे पास 2 कार्ड हो गए हैं HDFC बैंक के, क्योंकि कुछ दिनों में ये कार्ड जो है मेरा एक्सपायर हो जाएगा, तो उसके बाद मैं अपना यही कार्ड यूज़ करने वाला हूँ। मुझे ज़्यादा जो बड़े कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि मेरा इतने में ही काम चल जाता है। काफ़ी अच्छे फीचर बेनिफिट मुझे इन सभी कार्ड्स में मिल रहे हैं। प्लेटिनम एज हालांकि उन्होंने अभी बंद कर दिया है, तो मैं दोबारा से वही कार्ड अप्लाई करना चाहता था, बट वो क्लोज़ कर चुके हैं कार्ड, अभी जो वापस नहीं मिल रहा है, तो मैंने मनी बैक को ही जो है अप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों, आपको भी यदि अपना फर्स्ट क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं, एज ए बिगिनर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेस्ट क्रेडिट कार्ड रहेगा। और यहाँ पर बात करते हैं हम सैलरी की। सैलरी की जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के लिए, यदि आपकी मंथली सैलरी 15,000 रुपीज़ भी है, तो भी आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी सैलरी सेगमेंट के अकॉर्डिंग कार्ड आते हैं, तो 15,000 रुपये से लेकर के 40,000 रुपये के बीच में जिनकी सैलरी है, वो ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा एक जो कार्ड और है, जो से ऊपर की क्रेडिट कार्ड है, वहाँ आपको फिर डाइनर्स आता है दोस्तों। डाइनर्स मैं पर्सनली इतना पसंद नहीं करता हूँ, तो मैंने डाइनर्स अप्लाई नहीं किया है। सो आई प्रेफर्ड मनी बैक क्रेडिट कार्ड। बट यदि आप डाइनर्स लेना चाहते हैं, डाइनर्स सेगमेंट लेना चाहते हैं, और आपकी जो सैलरी है वो 40,000 रुपीज़ के आसपास है, तो आप डाइनर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी सैलरी 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उसके लिए प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, जिसके बारे में हम जो नेक्स्ट अपनी वीडियोज़ में बताएंगे। बट एज ए बिगनर आपकी सैलरी यदि कम है, आप 15,000 रुपये 20,000 रुपये अर्न कर रहे हैं, 25,000 रुपये 30,000 रुपये आपकी जो मंथली सैलरी है, तो मनी बैक क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत ही बेस्ट क्रेडिट कार्ड रहेगा दोस्तों। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस गुरुजी को, क्योंकि यदि अभी तक आपने फाइनेंस गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मिस कर रहे हैं हमारे बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल वीडियोज़ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, फ्री है, आपको केवल सब्सक्राइब करना है। रेड बटन पर, नीचे रेड बटन दिया गया है, आपको क्लिक करना है, उसके बाद बेल आइकन को दबाना है, ताकि हमारे जो नोटिफिकेशन है, हमारे जो वीडियोज़ हैं, वो आपको सबसे पहले आपके इनबॉक्स में मिलते रहे। तो दोस्तों, होपफुली वीडियो पसंद आया है आपको, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।